आज पहुंचाऊं तीतरो। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 11 सीटों पर और एक सीट है गंगो। गंगो में भी उपचुनाव है क्योंकि यहां से प्रदीप चौधरी विधायक थे जो अब सांसद बन गए, ऐसे में सीट खाली हो चुकी है। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने अपने टिकट बांट दिए हैं। बीजेपी अभी लगी हुई है। पहली बार ऐसा है कि बसपा भी मैदान में दिखाई दे रही है उपचुनाव में, क्योंकि वो लड़ती नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि गंगो में क्या होगा, क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ, और इस बार जो उपचुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़े जाएंगे, यही बातें तमाम लोग हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे करते हैं जी, इतने सहमे सहमे से, डरे डरे से क्यों? नहीं जी, नहीं, ठीक है मामला जी। आपके तीतरों का, गंगो विधानसभा का कैसा हिसाब है? ठीक है, बढ़िया है। विकास यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ जी। अच्छा, सारी चीजों पे हाँ करनी है, आप ये बता दो क्या विकास हुआ? सारे हुआ जी, लोगों का मकान मकून बन गए, सारी चीजें हो गई, सारे काम हो रहे हैं जी। तो इस बार मैदान में इंद्रसेन भी है, नोमान भी है, इरशाद भी है, आपको क्या दिख रहा है, कौन है इनमें से सही कैंडिडेट? पत्नी नहीं हमें पता, नहीं पता, वो छुपा हुआ है जी। वोट इस बार छुपा छुपा के है कि खुलेआम इंद्रसेन को वोट मिलेगा? अच्छा, हाँ। लेकिन विकास क्या हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ। तीतरो और खासकर अगर गंगो की बात की जाए, एक बात बात सुन लो, वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो विधायक बनता है वो फिर सांसद भी बन रहा है, मंत्री भी बन रहा है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो इस विधानसभा में कैसा कैंडिडेट आएगा जिसे जनता जिता देगी? इंद्रसेन को जिताओगी? सड़क ही टूटी पड़ी है, सड़क दीप चौधरी ने कहा सड़क बनवाई, देखो गंगो। दीप चौधरी का क्या रहा यहाँ काम? कुछ नहीं रहा, सांसद तो बना दिए, कुछ नहीं काम करा, कोई विकास नहीं है, काम ही नहीं है ना। तो सांसद कैसे बन गए? पब्लिक ने मोदी लहर थी दे दिया वोट, अब थोड़े दे देंगे वोट? अच्छा, अब नहीं देने गए वोट। इस बार प्रदीप चौधरी का यहाँ कोई काम नहीं, मतलब इंद्रसेन का वोट है तो इंद्रसेन का। आप तो युवा है भाई साहब, क्या देख रहे हैं? 2 साल तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हो चुके, अभी खाली हुई है सीट, क्या दिखाई दे रहा है सीट पे, कौन सा करिश्मा चलेगा नेता का? हमारे यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हो रहा है, कहीं नल का नहीं लगा, कहीं टंकी नहीं लगी, बाजार में कहीं पानी की सुविधा नहीं है। अच्छा, सब जगह ऐसे ही पड़ा, टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है, बाजार से बाहर भाग गए फिरे, बाजार का कोई विकास नहीं है यहाँ, कोई विकास नहीं है, कोई विकास ही नहीं है। तो इस बार वोट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी जी, वोट ही नहीं देने जाने? नहीं, वोट देंगे तो किसे? वो छुपी हुई है, छुपी हुई है वो तो बता दो। आप भी कान में बताओगे कि खुले आम बताओगे, क्या होगा? हम खुले मंच पे बताएंगे हम तो। कौन सा नेता है जो करिश्मा कर रहा है? चौधरी इंद्रसेन। इंद्रसेन को 2 बार क्यों हरा दिया फिर? 2 बार पहले तो हार चुके था तो देते, वो हमारी कमी में और भाजपा की लहर में, हर कमी ठीक हो गई। इस बार तो बहुत अच्छी लहर है उनकी, लहर है बहुत। ऐसे ही बोलते थे कि इस बार बोल, इस बार बोल रहे हो? हम तो हर बार बोलते थे, लोग जनता हर बार हरा रही, जनता की बार जाग चुकी, अब तक जनता सो रही थी। अच्छा, अब जाग चुकी। क्या, कैसे जागी? बस जब ये हो गया 15,000 की मोटरसाइकिल, 25,000 का चालान हो रहा। अच्छा, ये मुनाफा रहा है सर, हेलमेट ना पहनने दे आपको, हेलमेट की नहीं, हेलमेट तो पहनते हैं। अच्छा, अब ऐसे भी हो जाता है ना भाई, जल्दबाजी में, किसी जल्दबाजी में चल ले हम, और जल्दबाजी में गिर जाए तो बाई चांस कागज घर पर है। सही बात, जल्दबाजी में गिर गए तो चलो गिर जाए, वो तो एक अलग बात हो। वोट उसे दोगे जो कानून तोड़ेगा? नहीं नहीं, कानून तोड़ने की वाली कोई बात नहीं, कानून में रहते हैं, कानून में रहेंगे। कोई ये कह रहे कि चलान जो है कम उसमें होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा महंगा है, बड़ा है, ज्यादा है ना चलान, कम होना चाहिए, ज्यादा महंगा है चलान, इसलिए जनता भड़क रही है। हाँ, जनता भड़क रही है, इसलिए बारे में सरकार को सोचना चाहिए जनता के बारे में, गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? बाजार। क्या लेने जा रहे हो बाजार? आम के पेड़। आम के पेड़। आम के पेड़, वाह। अच्छा, ये तीतरों से कौन जीत रहा है इस बार? उनको भी आम के पेड़ ही दोगे क्या? क्यों भाई साहब, कहाँ से हुआ आप? मतलब भाई सालियर का, माधोपुर सालियर। वहाँ का विकास भी हुआ कि नहीं? बहुत काम हो रहा, क्या पूछे बात, अजी क्या पूछे, बता तो दो, पूरा हो रहा। इतना इतना पानी, पानी गुंडागर्दी खत्म होगी तक नहीं? अच्छा, हर भाई बहुत ही काम हो रहा है, कुछ ना पूछे। आपका वोट उस पे है जो गुंडागर्दी खत्म? हाँ, उस पे। सरकार कैसा काम कर रही? बढ़िया काम कर रही जी, विकास हो रहा है बहुत बढ़िया, और मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही। विकास पे काम? विकास बहुत बढ़िया कर रहा। और ये जो 3 नेता अभी रेस में यहाँ पे लगे हुए हैं, बीजेपी भी जल्द आ जाएगी, तो क्या दिखाई दे रहा है, टक्कर है कि नहीं है? हाँ जी, टक्कर। लोग किस्त ना तो सरकार गिरे,
ना कुछ, लेकिन इंदर सैन थे ये दे दो होटल लमो या लोगों के दिमाग में। अच्छा, इस सीट से ना तो गिरे, सीट से कुछ बिगड़ना नहीं। हाँ जी, बिगड़ना नहीं, इन्हें बना देंगे बेचारों ने। कैसा नेता होगा कि बा वोट दे और भूल जाओ? सारे ऐसे ही हो रहे हैं तो सारे यही काम चलेगा, वोट दिया और भूल गए? नहीं, बढ़िया काम चल रहा है जी, बहुत बढ़िया जी। मैं कहा जी, गुंडागर्दी खत्म करी, सभी सुरक्षित हैं और सभी जो है भाजपा के विकास उसमें बहुत ही, मोदी भी और योगी भी, मोदी भी योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों। इस बार आपका वोट किस पे है? 370 की बात हो रही है। अच्छा, इस पे नहीं, मुद्दा कोई नहीं है, बिना मुद्दे के वोट देने जा रहे हो? नहीं, वोट तो देंगे, मतलब मुद्दा है भाई, महंगाई का मुद्दा, दूसरी चीज का कनी खुल कनी बता सकते, चित्रों के गंगों के विकास का मुद्दा, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ यू है ना, तो इस सीट से सरकार गिरे। अच्छा, मुद्दा ये है। आपका भी यही है क्या? मारा तो इंदर सैनिक को जाएंगे, और कोई मुद्दा नहीं? नहीं, और कोई नहीं। पिछली बार किसको दिया था? भाजपा को। उससे पिछली बार? भाई भाजपा को देते आ रहे, बार बदल गया मुंह क्या बदलेंगे? हमारा भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा कुछ? जी, हम तो भाजपा की तरफ ही आई, भाजपा की तरफ है। कोई हो? हाँ जी, कोई हो भाजपा को। हाँ जी, क्यों जी? भाजपा ने बहुत कुछ कर दिया, युवाओं के लिए भी कुछ करा। हाँ जी, हमारे लिए कुछ किया जी? मेरे लिए बहुत, जनता के लिए बहुत कुछ कर दिया जी, मतलब उसके इसलिए वोट है। हाँ जी, भाजपा की तरफ। आप इतनी ऊपर ही चढ़े रहोगे? नेता को भी फिर इतनी ऊपर बढ़ा दोगे? नहीं नहीं, इंदर सैनिक के साथ हम तो खुल के हो? खुल गए जी। नोमान भी रेस में आ गया? कोई बात नहीं जी, इनको पहले भी नहीं दिया? पहले दिया जी। और उससे पहले किसे दिया? इन्हीं के साथ हैं जी, इससे पहले इन्हें दिया था, तब आपने हरा दिया, इस बार फिर दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, इस बार जीत जाएंगे जी, उम्मीद है पूरी। हम क्या काम लोगे अपने नेता से अगर जीत गए तो? कुछ तो लेंगे जी, हमें फायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, मुलाकात भी कर लेते हैं? हाँ जी, कर लेते हैं। आप पकड़ पकड़ के ला रहे हो? वो तो ये पूछ रहे, क्या पूछना, क्या नाम है आपका? पूछूंगा तो मैं, बताओगे तो आप? सेठपाल जी, वो धन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, और बढ़ेगा हमारा तो। अच्छा, और नेताओं का धन बढ़ा कि घटा? नेताओं का तो बढ़ रहा, हमारा ही घट रहा बस। अरे मेरा बढ़ा, आप कह रहे घटा? अरे भाई, नेताओं का तो घट रहा, हमारा कहाँ बढ़ रहा? तो कौन सा नेता है जो बढ़ा देगा? रुद्र सैन जी। रुद्र सैन तो मैदान में भी नहीं है। मैदान में लगेंगे, होंगे क्यों उस्ताद? कौन है भाई मैदान में, बता दो जरा। इंदर सैन, सुन लिया बस, यही नहीं पता चल। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस है। बुरा क्या लग रहा है? बुरा क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा गंगो में? इस बार गंगो में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ, फुल मेजोरिटी, फुल जोर के बीजेपी है। आप क्या देख रहे हो भाई साहब? बीजेपी तो बता ही दिया, मैंने तो बता दिया, बीजेपी है जी, हमारा खुला वोट बीजेपी पे ही है। खुला है, बिल्कुल खुला है। क्या काम करेगी यहाँ पे? हाँ, जो भी करेगी सही करेगी। तो पिछली बार भी गई थी 17 में, जीत तो 12 में भी गई। करे कोई नहीं करता काम, जीत के कुर्सी पे बैठ जाओ तो। काम तो बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। हाँ जी, चलो भाई, सड़क पे लग गया जाम। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ जी हमें, बीजेपी की सरकार से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। खड़े बोल रहे बीजेपी, फिर हम नीचे आए तो कह रहे मैंने तो बीजेपी बोल रहा ही नहीं। अच्छा, पहले भी नहीं बोल रहा। हाँ जी, क्या हालचाल है? बढ़िया है। क्या बढ़िया है? खुदा का नाम बढ़िया है। खुदा का नाम तो बढ़िया है, यहाँ नेता का भी किसी का नाम बढ़िया है कि नहीं है? ए, नेता तो कुछ भी नहीं है उरे। खावे खावे। अच्छा, और खिला भी रहा कोई कि नहीं? हमें तो खुला ही नहीं। ये कहाँ लेके चल दिए? ये जंगल में लेके चल दिया। जंगल में? जंगल में क्या करोगे? नो करूँगा। अच्छा, वोट डालते हो कि नहीं डालते? मेरा तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्या बता, सरकार को पता? कटवा दिया क्या? कटवा क्या क्या कर दिया? अच्छा, और बनता तो किसे डालते? क्या कौन क्या हमारे दिमाग के नेता को यदि इसके डालते? अच्छा, कौन है तुम्हारे यहाँ बढ़िया आदमी? तुम तो जानते हो यार, तुम ही जानते होगे, और हम क्या जाना। अच्छा, मैं ही जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, तुम चल दिए जंगल में? जंगल में मारा तो यही है काम। कोई नहीं कहना देना। आप क्या हालचाल है? ठीक है जी। बढ़िया बिक रहा है प्याज की नहीं? बिक रहा। महंगा हो गया? महंगा 60 रुपए। बढ़िया कमाई हो रही है अब तो? ना, कुछ नहीं कमाई। महंगा हो गया तो बढ़िया ही हो रही होगी? हाँ जी, ना किसान बढ़िया उसी के वोट दे। कौन करेगा जी काम बढ़िया? सवाल यही है। करेगा इंदर सैन करेगा। आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेगा?
इंदर सैन का पड़ेगा ज्यादा। मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है, बढ़ते चलान का मुद्दा है। तो कतई खत्म मेरी गुंडागर्दी तो खत्म है। अच्छा, महंगाई है बस थोड़ी सी। हाँ जी, महंगाई बढ़ रही है बस। महंगाई बढ़ रही है। हाँ, वीडियो बनाओगे कुछ बोलोगे भी? जी हम तो भाजपा को देंगे वोट खुल के। जी क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास तो तुम्हें विकास चाहिए? जी विकास ही करना। भाजपा लेके आएगी विकास? जी विकास तक तो थी तो विकास ही हुआ जी। अब तक हुआ विकास? जी। आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, ये बड़ी बड़ी मूछें क्या कह रही है? आवाज खत्म खत्म। तीतर वालों की आवाज इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रही भाई साहब? जी सर जी, पता नहीं क्यों खत्म हो रही इनकी आवाज। आपकी खुल रही है? जी खुल रही है। तो क्या दिख रहा है फिर? चौधरी इंदर सैन जी जीतेंगे। कौन सा वो नेता है जो बदलेगा तकदीर? चौधरी इंदर सैन जी बदलेंगे। लग रहा है हो जाएगा काम। इस बार फिर से बिठा दोगे उन्हें? नहीं, ठंडे चूल्हे। इस बार जीतेंगे जी। मैं तीतर यहाँ जीतेंगे जी। इस बार में पिछली बार किसे वोट दिया था? पिछली बार भी उन्हें दिया था सपा को। इससे पिछली बार भी? जी। और फिर हार गए? सब साथ देंगे तभी तो। ताकत लगा के वोट नहीं दे रहे? जब साथ देंगे सब तभी बनेंगे जी। तभी बनेंगे। लग रहा है जनता साथ देगी? किसका साथ? इनका नाम ले रहे हैं इंदरसेन। इंदरसेन जो जिसका समर्थक है वो तो छोड़ दे गई। आप किसके समर्थक? नौमान मसूद। एक आदमी मिल गया भाई नौमान मसूद का। लग रहा है करिश्मा हो जाएगा। आदमी नहीं, यहाँ ओटीसी का पड़ेगा। खुला वोट पड़ेगा। खुला। चौधरी पकड़ लें। हमेशा पड़ता आया। चौधरी पकड़ लें, वोट मारा देना। चौधरी क्यों पकड़ेंगे बेचारे? नहीं पकड़ने के। क्यों पकड़ेंगे? वजह क्या है? आप नौमान लग रहा है यहाँ का विकास करेगा। करता है हमेशा, उन्होंने करा विकास यहाँ। हमेशा करा। बिल्कुल। पीछे क्यों खड़े? इधर आए हो? पीछे ही रहोगे। चलो भाई कोई बात नहीं। तो जनता है तीतरों की, मार्केट भी तीतरों का है और बात भी तीतरों वासियों से हुई है, क्योंकि चुनाव है गंगो में। तीतरों इसलिए आया क्योंकि यहाँ से कुछ बड़े नेता निकल कर गए। चौधरी यशपाल, अब उनके बेटे इंद्र सैन भी मैदान में है। नौमान कांग्रेस से हैं और बसपा से भी इरशाद चौधरी आ चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार नेता जीतेगा तो क्या इस तीतरों का, इस गंगो का विकास हो पाएगा या फिर विकास हवा में होता है? यही सवाल है और इस सवाल को आप टटोलिए, अपने आप से पूछिए कि नेता को इस बार वोट देंगे तो क्या सिर्फ घर बैठाने के लिए। अपने सहयोगी अंकित चौहान के साथ नवीन चौहान, तीतरों